नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूर्वी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे के लड्डू। चावल के आटे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है आधी कटोरी गोला, सफ़ेद तिल, आधी कटोरी मूंगफली के दाने। इनको मैंने गर्म करके छिलका उतार लिया है। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 2 बड़ी कटोरी चावल का आटा, 2 बड़ी कटोरी गुड़। अब इस आटे को हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है। हम इसका कलर ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। ये आटा हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसे और ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पे ये आटा हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच देसी घी यूज़ कर रही हूँ। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोला और तिल को भूनेंगे। इसे हमें चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनना है। इनका कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब हम अपनी मूंगफलियों के दानों को इसमें ऐड करेंगे। मूंगफली के दाने डाल के हम इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 कटोरी पानी यूज किया है। अब हमें इसमें अपने गुड़ को ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे अपनी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हमें इसे हल्का चिपचिपा होने तक पकाना है। चाशनी हमारी बनकर तैयार है, इसमें हल्का चिपचिपापन आ गया है। हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, वरना हमारे लड्डू सख्त बनेंगे। हम इस आटे में गोला, तिल और मूंगफली को ऐड करेंगे। अब हम इसमें चाशनी को छानकर ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब हम इससे अपने लड्डुओं को बनाएंगे। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा तिल लगाया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।